अब अगर बिहार में किसी स्कूल बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हुई तो बच जाएगा अलार्म, रुकने लगेगी गाड़ी। जी हाँ, बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में कमी करने और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। स्कूल बसों की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, अब हर बस में होगा स्पीड गवर्नर। अब वो फ्यूल की सप्लाई को कट कर करके दे रहा है। बस में लगा अलार्म, ड्राइवर को करेगा आगाह। ये स्पीड गवर्निंग यूनिट है और इसके जरिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया जाएगा और एक ये मैनुअल जो पुराने गाड़ियों में अमूमन लगता है वो है। बिहार की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर सूबे की सरकार फिक्रमंद है। पिछले 3 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो रोजाना करीब 18 लोगों की मौत इन सड़क हादसों में होती रही है, जबकि करीब इतने ही लोग जख्मी होते हैं। साल 2016 में कुल 8,222 सड़क हादसे हुए, इनमें 4,901 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 5,651 लोग घायल हुए। साल 2015 में 9,556 हादसे हुए, इनमें 4,913 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,640 लोग घायल हुए। इससे पहले साल 2014 में 9,555 हादसों में 5,421 लोगों की जान गई और 6,835 लोग घायल हुए। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत स्कूल बसेस से की है। स्कूल बसेस की लिमिट को हम लोगों ने 40 किलोमीटर पर आवर फिक्स किया है। सरकार ने स्पीड लिमिट तय कर दी है, यानी स्कूल बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पब्लिक वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फोर लेन पर गाड़ियाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ेंगी। सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। करीब 2000 स्कूल के बसों को नोटिस भेजा गया है। अगर इन स्कूल बसों में सावधानी यंत्र नहीं लगाते तो फिर इनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाएंगे और बस को फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो अब सरकार ने कमर कस ली है और बढ़ते हुए दुर्घटनाओं को देखकर अब स्पीड कंट्रोल डिवाइस हर स्कूल बस में लगाना ज़रूरी होगा, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित घर पहुँच सकें, बेहतर तरीके से रह सकें और इन ड्राइवरों पर लगाम लग सकें। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।